हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी खुद की एक टूल वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी काफी यूनिक टूल जिसकी स्क्रिप्ट आपको फ्री में कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन इस चैनल पे आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन चेकर टूल की स्क्रिप्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी। आपको एक रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपको ईमेल आईडी तक डालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप वेबसाइट पे आएंगे, कॉपी करेंगे एंड लेके जाएंगे एंड टूल बनाएंगे। इसके अलावा आप सेम टाइप की स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से खुद भी क्रिएट करवा सकते हो, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। मैं जो कमांड चैट जीपीटी को दे रहा हूं उसी टाइप का कमांड अगर आप भी चैट जीपीटी को देंगे तो चैट जीपीटी आपके लिए भी ये टूल की स्क्रिप्ट बना के दे देगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ चैट जीपीटी से टूल वेबसाइट बनाने का, उससे अर्निंग करने का। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे वीडियोज पहले से वॉच करते हो तो वीडियोज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी एक वेबसाइट को क्रिएट करना है एंड उसकी सेटिंग करनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे टूल उस वेबसाइट के ऊपर आपको डालना सिखाऊंगा। आप मैनुअली यहां से कॉपी करके भी टूल को डाल सकते हो। इसके अलावा आप यहां पे चैट जीपीटी को कमांड देके भी यहां पे इस टूल को बनवा सकते हो। सो चलिए, सबसे पहले यहां पे आपको आना है गूगल के ऊपर एंड सर्च करना है ब्लॉगर। जब आप ब्लॉगर सर्च करेंगे ये वेबसाइट आएगा, सिंपली इस पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए, क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करिए या फिर साइन इन पे क्लिक करिए, दोनों ही कंडीशन में आपके जीमेल अकाउंट आपके सामने होंगे। उनमें से किसी भी एक जीमेल अकाउंट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इतने में जितने में आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा कुछ इस टाइप का, जहां पे आपको अपने ब्लॉग के लिए एक नेम सिलेक्ट करना है। सो आप क्या नेम यहाँ पे अपने ब्लॉग के लिए सिलेक्ट करेंगे, जिस टाइप का टूल आप बना रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड वन टूल वेबसाइट बना रहे हैं तो उसी टूल का नेम आप अपने ब्लॉग के नेम में लीजिए। एंड अगर आप मल्टी टूल वेबसाइट बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से जो है नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जो नेम डालने वाला हूँ वो होगा सिस्टम इंफॉर्मेशन चेकर टूल। सो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूं सिस्टम इंफॉर्मेशन चेकर टूल। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मैनुअली। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें अपने ब्लॉग के लिए एक यूआरएल क्रिएट करना है। यहाँ पे आप देखिए सिस्टम इंफॉर्मेशन चेकर टूल .blogspot.com, ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल या लिंक जो है होने वाला है। आप यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग देख ही पा रहे हो, पूरी तरह से ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और आपको यहाँ पे पेजेस सेगमेंट में आना है एंड पेजेस यहाँ पे बना लेने हैं जिनमें टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ये पांच पेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बिना जो है आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा। इसके अलावा आपको थीम जो है कोई भी यहाँ पे लगा देनी है। जो वन ऑफ द बेस्ट थीम है जो मैंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई है वो गैलेक्सी थीम है, उसको आपको लगा देनी है, अन्यथा आप यहाँ से कोई भी थीम ले सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे एक थीम को अप्लाई करके आपको बता देता हूँ। तो थीम सेलेक्ट करके आपको सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना है, अप्लाई हो जाएगी। देखिए सेटिंग में कुछ ज्यादा चेंजेस तो आपको करने हैं नहीं, बट डिस्क्रिप्शन आपको सेट कर देना है अपनी वेबसाइट का। ब्लॉग लैंग्वेज आपको इंग्लिश करके ओके कर देनी है एंड नीचे स्क्रॉल करने पर आपको जो मेटा टैग का ऑप्शन मिलेगा उसको आपको इनेबल कर देना है यहाँ पे देखिए, और सर्च डिस्क्रिप्शन में अपने मेटा टैग आपको ऐड कर देने। इसके अलावा क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग का ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल रहा है, इन दोनों को ही आपको इनेबल कर देना है। साथ ही अपनी वेबसाइट को आप गूगल सर्च कंसोल में ऐड जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप गूगल सर्च कंसोल में ऐड करोगे तो जो ट्रैफिक है बेसिकली आपकी वेबसाइट पे वो गूगल सर्चेज से भी आने लगेगा, और इस टाइप के सर्चेज बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे किए जाते हैं। तो आपके ब्लॉग के ऊपर यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इन सभी कंट्रीज से भी ट्रैफिक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आपको आना है पोस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे आपका ब्लॉग रेडी है किसी भी पोस्ट को करने के लिए।
तो यहां पे आपको क्या करना है, न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पे टाइटल लगा देता हूं। सो देखिए सिस्टम इंफॉर्मेशन चेकर टूल, ये जो है टाइटल मैं यहीं से कॉपी करके लगा देता हूं। आप जो है इसको मैनुअली टाइप करिएगा या फिर अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेज करके लगाइएगा। लेबल में मैं यहाँ पे एक टूल्स नाम से लेबल क्रिएट कर लेता हूं एंड परमालिंक के अंदर आपको कस्टम परमालिंक पे आके आपका जो टाइटल है वो का वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है कुछ इस टाइप से। एंड नीचे आपको देखिए चर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको अपने मेटा टैग डाल देने। देखिए मेटा टैग आपने डाले हुए होंगे तभी चर्च रैंकिंग आपकी बढ़िया बनेगी, और चर्च रैंकिंग बढ़िया बनेगी जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, और अगर इंटरनेशनल लेवल से ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया तो इतना पैसा कमा सकते हो जितना करंटली आप सोच भी नहीं रहे हो। सो यहाँ पे आपको मेटा टैग जरूर डालने, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे अपने को टूल की कोडिंग पेस्ट करनी है, लेकिन उससे पहले आप देखिए टाइटल के नीचे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक है HTML व्यू, सेकंड है कंपोज व्यू। तो देखिए जब आप ब्लॉग पोस्ट करते हैं तब आपको कंपोज व्यू पे जाना है, लेकिन जब हम कोडिंग का काम कर रहे हो तो हमें HTML व्यू के ऊपर काम करना है। सो देखिए अब दो ऑप्शन है, एक तो आप ये कि इस वेबसाइट से इस कोडिंग को कॉपी करके अपने ब्लॉग में डाल सकते हैं, सेकंड चीज ये कि आप चैट जीपीटी से टूल बनवा सकते हैं। अब देखिए चैट जीपीटी से बनवाने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जो कमांड मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है वो का वो आपको भी टाइप करना है। देखिए राइट ए कंप्लीट रेस्पॉन्सिव कोड ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन चेकर टूल इन HTML विद जावास्क्रिप्ट। सो इतना अगर आप टाइप कर देते हो तो चैट जीपीटी जो है आपके लिए इसकी कोडिंग तैयार करके दे देगा। देखिए ध्यान से, श्योर हेयर एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पॉन्सिव कोड फॉर ए सिस्टम इंफॉर्मेशन चेकर टूल यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट। सो आप देख पा रहे हो चैट जीपीटी हमारे लिए इसकी कोडिंग जो है हमारी आंखों के सामने कर रहा है, और अगर आप यही काम किसी डेवलपर से करवाते तो वो ऑलमोस्ट हजारों रुपए आपसे इस चीज के लिए चार्ज करता। सो दोस्तों आप देख पा रहे हो फाइल यहाँ पे हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरह आप जो है चैट जीपीटी को दोबारा कमांड दे सकते हो, तो दोबारा ये आपके लिए जो है ये पर्टिकुलर कोडिंग जनरेट करके दे देगा। और अगर आपको लगता है कि चैट जीपीटी से कोडिंग करवाना बहुत ज्यादा टफ है या आपको ये चीजें समझ में नहीं आती है, तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबसाइट पे जाना है एंड वहां पे आपको ये टूल बड़ी इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे देखिए ये चर्च का बार है, यहाँ पे आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन लिख के चर्च करना है। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। सो मैंने यहाँ पे सिस्टम लिख के चर्च किया तब भी आई थिंक ये टूल जो है ऑफकोर्स आ जाएगा। देखिए ध्यान से सिस्टम इंफॉर्मेशन चेकर टूल, तो इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करके नीचे आऊंगा तो मुझे यहाँ पे कोडिंग की PDF मिल जाएगी। इसको सिंपली मुझे यहाँ पे कॉपी करना है, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके ऐसे कॉपी कर सकता हूँ बहुत ही इजीली। कोई भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क जो है हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, आप चैट जीपीटी से भी ये चीज जो है बहुत ही इजीली करवा सकते हो। देखिए ध्यान से इसको, सो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से आपको जो है इनको यहाँ पे कॉपी कर लेना है पूरा का पूरा, राइट। चलिए मैं कॉपी करके इसको वहां पे पेस्ट कर देता हूँ। सो कोडिंग मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पे इस टूल को यूज करके देखने वाले हैं। सो टूल को यूज करके देखने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा काम यहाँ पे नहीं करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो इस टूल को आपको कर देना है पब्लिश। एक बार जब आपका टूल पब्लिश हो जाए तो इसको आप यूज करके देख सकते हो। लाइक यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके बता देता हूँ कि कौन सा सिनेरियो जो है ये शो करता है। सो देखिए यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल जो है बिल्कुल ये ऑफकोर्स बता रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ब्राउजर कौन सा है, सारी चीजें जो है इन्होंने यहाँ पे बता दी है। स्क्रीन रेजोल्यूशन कितना है वो भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया है, राइट। तो पूरे सिस्टम को जो है ये चेक करके हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देता है, सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे सामने शो करता है।
तो दोस्तों अगर आप कोई भी सिस्टम यहाँ पे यूज कर रहे हो तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। इस टाइप से दुनिया भर से लोग अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी इनकी लिंक जो है अलग अलग ग्रुप में शेयर कर दी होंगी, अलग अलग फेसबुक ग्रुप में लिंक शेयर करोगे जहां पे हजारों लाखों लोग दुनिया भर से जुड़े हुए रहते हैं। तो देखिए उन हजारों लाखों में से सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे और उन्हीं से आपको एक अच्छी खासी ऑडियंस बिल्ड करने का मौका मिलेगा। अगर आपने ऑडियंस बिल्ड कर दी ना तो आपके पास बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे पैसा कमाने के। सो सिंपली फोकस करिए कि कैसे आप अपनी ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को ताकि हर कोई अपनी टूल वेबसाइट बना पाए। और अगर आप चाहते हो कि आपको और ज्यादा पीपीटी टेम्पलेट फ्री में प्रोवाइड की जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।